क्लैशर्स व्हाट्सएप। तो मैं आज आपके सामने क्लैश ऑफ क्लैन का एक वीडियो लेके आया हूँ, जिससे मुझे ये मेज रेज चैलेंज कंप्लीट करना है। मैंने अपने बैरक्स को बूस्ट पे लगा दिया है क्योंकि मैं भूल गया था लास्ट वीकेंड और मैं कुछ और चीज़ों में बिजी था। तो आई एम एट 17 विन जस्ट नाउ, वी हैव टू कंप्लीट 3 मोर विन्स। वन आर विच ऑलरेडी बूस्टेड एंड रेडीड अप फॉर द अटैक, लेट्स सी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप डेक है, ये बहुत ही ज़्यादा चीप आर्मी है, जिससे आप ट्रॉफी पुश कर सकते हो एज वेल एज आप फार्मिंग भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं आर्चर्स को सर्किल बनाऊँगा, जिससे कि आर्चर क्वीन के लिए मैं फनल क्रिएट कर दूँ। और ये मैं थोड़े से वॉलर्स डालूँगा, जिससे कि वो क्लैन कैसल में अगर कुछ है तो वो बाहर आ जाए। आई थिंक क्लैन कैसल में कुछ नहीं है, तो हम लोग चलते हैं अपनी आर्चर को इन वॉक थ्रू से को लेके। यहाँ मेरा मोटिव बस है कि धीरे से एक एक स्टार कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। और ये अच्छा खासा फनल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और यहाँ मैं थोड़े से बारबेरियंस भी छोड़ बारबेरियन किंग विद सपोर्ट ऑफ विजर्ड छोड़ देता हूँ। और ये मैंने बारबेरियन किंग का रेज मार दिया। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहता था कि ये जो है अभी विजर्ड चैलेंज चल रहा है, तो मैं 12 विजर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ आर्चर यूज करता हूँ। तो ये बहुत ही चीप आर्मी बनके तैयार होती है, जो कि आपको इजीली एक या दो स्टार दिला देती है और सारी लूट भी दिला देगी, क्योंकि आर्चर से आप कोने कोने के सारे जितने भी कलेक्टर्स में होता है आप पूरा ले सकते हैं। और बचा हुआ काम आपका आर्चर क्वीन, जैसे कि अभी उसने डार्क लेक्चर स्टोरेज पे अटैक किया था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यार ये एडी एयर डिफेंस लॉक हो गया है, जो कि बहुत बुरी बात है। आर्चर को इनको जल्दी मूव करना पड़ेगा, आई होप। चलो एक स्टार तो यहाँ मिल ही जाएगा। ओके और मैं यहाँ एबिलिटी चार्ज अप करता हूँ, जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा परसेंटेज मिल जाए। और ये आर्चर क्वीन की भी हेल्थ बूस्ट कर दे रहा हूँ। टोटल मैंने 45 जेम यूज कर लिए हैं बूस्ट में। और ये जो मैंने अभी ट्रेन के लिए लगाया है वो हो गया है, मेरा वो 20th अटैक होगा, जिससे कि मुझे जेम्स मिल जाएंगे 200 जेम। और क्लैश सुपरसेल वालों ने बहुत ही अच्छा ये चेंज लाया है एक्चुअली, क्योंकि इससे प्लेयर्स को जेम खरीदने में की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, और साथ ही साथ प्लेयर्स का गेम में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलो रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ थोड़े से बैकअप के लिए। और गाइस मैं विल्डर हॉल्स की भी रिप्लेस सून, मतलब जल्दी शेयर करूँगा। अच्छा खासा ट्रॉफीज पहुंच गया है मेरा, 39-28 पे हूँ करंटली मैं। 39-60 मेरा टॉप हाईएस्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 4000 ट्रॉफी रेंज पर पहुँचूँ। बस जस्ट आर्चर क्वीन हील अप होने का मैं वेट कर रहा हूँ, और हमारे पास 55 मिनट का टाइम है, जो कि मोर देन इनफ है, वो तब तक मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ जो बॉल्स हैं उन्हें लेवल 10 कर लिया है, बाकी सारी बॉल्स लेवल 9 की हो चुकी हैं। मैं धीरे धीरे इस बेस को अपना मैक्सअप कर रहा हूँ, डिफेंस ऑलरेडी पूरा मैक्सअप है, कुछ ये एक दो बॉम्ब टावर को छोड़ के और एक दो ट्रैप्स को छोड़ के, जो कि मैं भूल जाता हूँ। और फटाफट आर्चर क्वीन हो जाए, और तब तक मेरा यहाँ आर्मी बिल्डअप हो जाएगी।
एक्चुअली मैं गाइस आज मंडे में ऑफिस में हूँ, और मैं एक्चुअली मैंने सैटरडे संडे वेस्ट कर दिया था। अगर मैं चाहता तो ये चैलेंज बिना उसके कंप्लीट कर सकता था। और ये है मेरी अटैक लॉग, और कुछ अटैक्स तो यहाँ तो नहीं है। खैर मैं यहाँ से मैं कभी कभी भूल जा रहा था, मैं सीसी ट्रूप्स को लियोर करना भूल जा रहा था, और जिससे मेरे 3 से 4 अटैक वेस्ट भी हुए थे। सीसी ट्रूप्स में बलून और बेजर्ड आ जाते थे, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो गई थी। तो शुरुआत में 3-4 अटैक हार भी गया था, जिससे मेरी ट्रॉफी काफ़ी माइनस हो गई थी। फटाफट यार TH9 का कोई बेस ढूंढता हूँ। इससे सिंपल सी बात है गाइस, आपको जो लूट मिलती है, आप दिन में अगर 5 अटैक भी कर लेते हो तो आपके जो स्टार बोनस होता है वो तो कंप्लीट हो ही जाता है। साथ ही साथ अभी आप देख सकते हो कि उसने कितनी अच्छे से वो करके रखा है। यार यहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं अपने यहाँ सारे ट्रूप्स को छोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि उसके ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि ये अटैक कहीं वेस्ट ना हो जाए यार। चलो कोई ना, काफी काम डाउन होके ये काम करेंगे। ब्लिज़र्ड और मोटर का वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक बार फिर से विल ट्राई अब लेवल वेस्ट। और इधर क्वीन की एबिलिटी को बचा के भी रखना है, क्योंकि अगर उसके सीसी में कुछ हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फटाफट यार कम ऑन, परसेंट तक यहाँ होता है, तो जिससे कि अगर सीसी टू बाहर भी निकलेंगे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। चलो आई थिंक हो जाएगा यहाँ 50% शायद। आई थिंक उसके सीसी में कोई ट्रूप नहीं है, दैट इज वेरी गुड। एक्चुअली मैं 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है गाइस। फटाफट 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 कम ऑन, 47, 49 एंड दिस इज 50%, गुड जॉब। काफ़ी हार्ड हो गया था जैसे कि आप देख ही रहे हो, एक लेवल 5 का पैका भी मुझे मिल गया है यहाँ। और ये एक और क्विक ट्रेन भी लगा देता हूँ, बस विद इन 30 सेकेंड्स इट विल बी कंप्लीटेड। Right, thank you. हाँ तो गाइस मैं जैसे कि बता रहा था, ये मेरा DOC दैट इज माई यूट्यूब चैनल नेम, एंड एज वेल एज इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई क्लैन ऑल्सो, डेवल्स DOFOCOCC। सो प्लीज इफ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो। I will update daily Clash Royale or Clash of Clan content. I have put it one video also today only about 9-win challenge, 9-win in Daval Elixir Elite challenge with only one loss, that too मैं अपनी थोड़े सी
घबराने की वजह से फर्स्ट हार गया था। और गाइस आप लोग चाहो तो मेरा क्लान भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ थोड़ी देर में कि मेरे क्लैन की वारलॉक 20 चल रही है और हम पीछे बहुत कम एक ड्रॉ एक एक अच्छा खासा चलता है, जो कि बहुत ही टफ क्लैन आ जाए। तो ये मैंने क्लैन क्रिएट किया था लेकिन उसके कुछ टाइम बाद में इनएक्टिव हो गया था, तो मैंने एक बंदे को को लीडर बना दिया था। गाइस एज यू कैन सी दिस, आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर मी। और यहाँ से मैं सबको डिलीट करूँगा। क्योंकि टर्मिनल किनारे पे था इसलिए मैंने इस पर अटैक किया। इस पर आपको पता ही जैसे कि लग ही रहा होगा क्योंकि ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओह माय गॉड, और कोई रीज़न नहीं है, उसने अपने डार्क लेजर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एक स्टार मिल गया है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये सब भी भेज देता हूँ। अगर हमें डार्क लेजर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और ये हमारी 20th मेन होगी, इसके साथ ही हमें मिल जाएंगे 200 धैम। मैं अपने रेस को रेडी रखे हुए हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैं इस अटैक को 2 स्टार तो कर ही दूंगा। और यहाँ मैं नहीं कर पाया 2 स्टार, कंप्लीट फेल। बट हियर इवेंट कंप्लीटेड, रिसीव 200 जेम्स एंड 600 एक्सपी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।